हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर रोज शाम 8 बजे ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो ये वाईटी एजुकेशन से है, और ये वाईटी एजुकेशन के वॉल्यूम 2 का सिनारियो है, क्योंकि वॉल्यूम 1 जो है 20 सेट हम लोग करवा चुके हैं और यहाँ पे वॉल्यूम 2 चल रहा है। तो यहाँ पे आज 7वां सेट देखेंगे सचिवालय सहायक की इस भर्ती को लेकर। जीके जीएस और करंट अफेयर के सिनारियो को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस लगाना है और प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस लगाना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। वहां पे इन सभी का प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है, और ये सब पूजा स्पेशल में अभी ऑफर में चल रहा है आप लोग के लिए। तो जाके वहां पे अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिट होगा। यह 30 टेस्ट दिए गए हैं, 150 क्वेश्चन का ये टेस्ट तैयार किया गया है। मैथ रीजनिंग जीके जीएस करंट अफेयर बिहार स्पेशल सब कुछ इंक्लूड किया है इस टेस्ट में हमने, और विद सॉल्यूशन आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल रही है। तो जाके टेस्ट दीजिए, खुद को जज कीजिए कितना यहाँ पे सही बराबर है। यहाँ पे जो मद्य निषेध उत्पादन भर्ती को लेकर जो 76 वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए भी हमने 20 टेस्ट यहाँ पे दिए हैं, और बिल्कुल एग्जाम से मिलता जुलता प्रश्न उत्तर आपके परीक्षा में जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उसी के आधार पर ये सेट तैयार करके आपको दिया गया है। तो भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, 16 तारीख को एग्जाम है, लग जाइए और टेस्ट मारिए यहां से जाके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सिनारियो का, जहां पे हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से संबंधित हैं। फटाफट आज देखेंगे यहां पे और आंसर करने का भी प्रयास कीजिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय को मुशायरा नामक एक कार्यालय आयोजित करना है जिसमें कि देश भर के कवि अपने कविताओं का पाठ करते हैं? जी हाँ, सभी कोई उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करता जाएगा। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये 75वां वर्षगांठ जो अभी मनाया गया है दोस्तों हमारे देश का अमृत महोत्सव, इसी के रूप में ये हिस्सा लेने के लिए कहां पर हुआ है तो न्यू दिल्ली में। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन, ये मुशायरा है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। मेरा वतन मेरा चमन लिख लीजिएगा, मेरा वतन मेरा चमन, ठीक है, ये एक मुशायरा है जिसको कि यहाँ पे आयोजित किया गया है, और ये देश भर के कवि जो है यहाँ पे अपने कविताओं का पाठ करेंगे। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। भारत का पहला शहर जिसने कि नल के जरिए 24x7 घंटों से पीने योग्य पानी का मुहैया करवाया है, 24x7 यहाँ पे जो है आपको पानी उपलब्ध होगा, जी हाँ बिल्कुल, कौन सा वो शहर है, राज्य है या फिर वो जगह है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा में है पूरी, जी हाँ नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा राज्य है जिसके कि सीएम कौन है दोस्तों, जी हाँ नवीन पटनायक, नोट कर सकते हैं नवीन पटनायक, और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो भुवनेश्वर है, याद रखिएगा भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर, ठीक है, और ये पूरी में याद रखेंगे 24x7 यानी कि 24x7 मतलब पूरे घंटों में पानी पीने योग्य पानी का मुहैया करवाया गया है दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे, आंसर कर लीजिएगा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं यहाँ पे, हर तरह का क्वेश्चन मिलाकर डाला गया है, आप लोग पूरा क्यूज देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो बिल्कुल उत्तर करिएगा सी, असम इज द करेक्ट आंसर, जी हाँ असम के डिब्रूगढ़ में, जी हाँ ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड देखिएगा ध्यान से, डिब्रूगढ़ में ये जो है ये स्थापित किया गया है दोस्तों असम में, और श्री गोपाल गौशाला नामक से गाय का आश्रय बनाया गया है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्यों में ये पहला राज्य है जो कि असम है जहां पे गाय का अस्पताल का उद्घाटन किया गया है मित्रों। चलिए आपसे एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि आप भी आंसर करते रहिए जो भी चीजें एक्स्ट्रा मैं पूछ रहा हूँ। असम के मुख्यमंत्री का नाम और यहाँ के गवर्नर का नाम बताइएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी मैंने वीडियो आपको बना के दिया हुआ है सीएम और गवर्नर से रिलेटेड। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार एनडीजेसी जुलाई 2021 में किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये अमेजोन के बने हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, ई कॉमर्स की कंपनी है अमेजोन, फ्लिपकार्ट भी है लेकिन यहाँ पे आंसर अमेजोन कीजिएगा, है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ट्विटर, ट्विटर तो एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, फेसबुक भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, और फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, और एमेजोन भी, तो आंसर बी कीजिएगा, एमेजोन में एनडीजेसी को जुलाई में अभी मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ के रूप में यहां पे जाना गया है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और इसका जो टर्नओवर है ये अमेजोन कंपनी का ये 561 अरब डॉलर का हो चुका है,
ये भी सवाल हो सकता है कि पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना, 561 अरब डॉलर का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 5 पे आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? बिल्कुल, 5 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बनाया गया है। जी हाँ, 2020 के अनुसार ये बोला गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये 2021 में भी आपको बता दें कि दिल्ली ही है, न्यू दिल्ली ही है जो कि यहाँ पे सबसे प्रदूषित राज्य और प्रदूषित शहर में आया है, जो कि भारत की राजधानी है ये। और ये पूरे अगर हम बात करें गुणवत्ता में, वायु गुणवत्ता को लेकर, तो ये दोस्तों, ये हमारा जो रिपोर्ट है ये दिया गया है दोस्तों बांग्लादेश ढाका को भी, चाड़ में जामेना, ताजिकिस्तान में दुशांबे और ओमान में मस्कट भी, ये जो है प्रदूषित शहरों में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रदूषित है भाई। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन शायद मैं अभी कुछ दिन पहले करवाया था आपको, तो आंसर कीजिएगा ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन कर लीजिएगा, बुटान लिख दिया गया है, इट्स अ ब्यूटेन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे किसान मिट्टी पर चूना क्यों डालता है? बिल्कुल, देखिए आंसर कर लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, क्योंकि मिट्टी को कम अम्लीय बनाने के लिए इस पे जो है चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है डाला जाता है। अब CaO से रिलेटेड एक बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो यहाँ भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये डामरीकरण, डामरीकरण कहलाता है, ये चूना जो डालना होता है इसको कहते हैं डामरीकरण, ठीक है। तो ये और आप लोग रोड भी बनता है ना, तो रोड के किनारे किनारे से देखते होंगे कि चूना का जो है ना लेयर बिठाया जाता है ना, चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे तो मिट्टी का अम्लीय जो है ये बनाए रखने के लिए, कम अम्लीय बनाए रखने के लिए। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, घर्षण हमेशा बिल्कुल गति का विरोध करता है, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। घर्षण हमेशा दो वस्तुओं के बीच में हो सकता है और ये हमेशा क्या करेगा, अपोजिट होता है किसके, तो गति के विरोध में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 9 पे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि समुद्र के तल पर कोई विस्फोट होता है तो विस्फोट के कारण समुद्र के तल उत्पन्न तरंगे होती हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि समुद्र के तल पर कोई भी अगर विस्फोट होता है तो विस्फोट के कारण समुद्र के तल में यानी कि जो उसके निचली तल में है ना, ये जो तरंगे उत्पन्न होती है उसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी होती है, तो संयोजन होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, संयोजन होती है। और व्यापक रूप में यह पाया जाता है कि एक माध्यम से अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों की चाल में भिन्नता होती है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे, आंसर कर लीजिएगा। एटीपी का व्यापक रूप क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको, याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। एटीपी का फुल फॉर्म क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे, आंसर करेंगे। वयस्कों में फ्लोराइड की कमी से, है ना, फ्लोराइड की कमी से परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य समस्या होती है? बिल्कुल, याद रखेंगे, दांत का क्षरण होने लगता है। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर आपके कमी होगी आपके शरीर में या फ्लोराइड की, तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें दांतों का क्षरण होने लगेगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे, आंसर करेंगे। श्वसन तंत्र का सही क्रम क्या है? देखिए, सांस जो है ना, आप सबसे पहले, सबसे अगर ज्यादा देखा जाए तो मुंह से ही लेते हैं, ठीक है, और फिर नाक से लेते हैं, फिर साइनस, ग्रसनी और ब्रोकियल ट्यूब और फेफड़े में जाता है, तो ये क्रम है यहाँ पे, ठीक है, मुख से या फिर नाक से, है ना, मुख से या नाक से, ये दोनों चीजें हो सकती है, मुख और नाक से, साइनस में जाती है, फिर ग्रसनी में जाती है और ब्रोकियल ट्यूब में जाती है, फिर उसके बाद फेफड़े तक ये हवाएं पहुंचती है दोस्तों। और आपको बता दें कि कोशिका के अंदर जो भोजन होता है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन को प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित करता है, लेकिन यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम लोग सांस लेते हैं जो वायु को, उसको भेजते हैं, जो फिल्ट्रेशन करते हैं, साइनस करते हैं, और उसके बाद जो है ग्रसनी में जाता है, और उसके बाद ब्रोकाइल ट्यूब में जाता है, और उसके बाद दोस्तों ये फेफड़े में जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, आंसर कीजिएगा। पंचायती योजनाओं, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं की केंद्रीकृत और एकत्रित राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत में विश्व में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? पंचायती
पंचवर्षीय योजनाओं केंद्रीकृत और एकत्रित राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत से विश्व में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है? तो 13 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल, जोसेफ स्टीलन इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही महान लोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत और विदेश से जितने भी अर्थशास्त्री थे उनको आमंत्रित किया था। कब है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरे पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ पे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को केंद्रीकृत किया, एकत्रित किया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम लाया यहाँ पे जोसेफ स्टालिन ने। बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। निवल मूल्य के बराबर है, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। ये निवल जो होता है ये संपत्ति और देनदारी है ना, याद रखिएगा। देनदारी यानी कि लेन देन करने के लिए इसको हम लोग कहते हैं निवल आय। निवल आय या फिर शुद्ध लाभ कह लीजिए इसको, है ना। निवल आय को क्या कहते हैं हम लोग? निवल आय को कहते हैं या शुद्ध आय, लिख लीजिएगा। ये सब चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। शुद्ध आय कहते हैं या शुद्ध लाभ कहते हैं, लिख लीजिएगा, है ना। शुद्ध लाभ एक प्रकार का आय ही है जो कि किसी वस्तु को बेचने से यानी कि विक्रय करने से हमें मिलता है। तो संपत्ति और देनदारी को मिलाकर उसके बराबर होता है। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे दोस्तों। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है प्रायः कहां पर पाए जाते हैं? 15 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, ये विषुवत वृत्त के निकट पाए जाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, विषुवत वृत्त के निकट पाए जाते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में प्रवाल द्वीप में पाए जाते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में प्रवाल द्वीप में पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप पाया जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। आंसर 16 का उत्तर कीजिएगा ए। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, लक्षद्वीप के निकट। ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि तटीय प्रवाल भित्ति भी किसको कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 17 पे, आंसर कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो कि आपको मैं क्यूज में भी करवाया था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। एक जनजाति जो कि सरुहल त्योहार मनाती है, 17 का उत्तर कीजिएगा। जी हाँ, आंसर कर दीजिएगा। जी हाँ, जनजातियों से संबंधित सवाल रहेगा, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, यह ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे। मुंडा जनजाति, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, मुंडा जो जनजाति है ये है दोस्तों झारखंड की, है ना। झारखंड में पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी और बंगाल के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, लेकिन झारखंड के लिए फेमस है, और ये सरहुल त्योहार जो है झारखंड का ही एक फेमस त्योहार है। भारत के जो आदिवासी क्षेत्रों में मनाए जाते हैं ये सरहुल त्योहार, और खासकर सबसे ज्यादा मुंडा जनजाति इसको मनाता है। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों। अफ्रीका का कौन सा द्वीप भारत के सबसे नजदीक है? बिल्कुल सी उत्तर कर दीजिएगा, सेशल्स इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सेशल्स जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप का किसी भी अन्य देश के मुकाबले में सबसे कम आबादी वाला ये जो है आपका जो है द्वीप है दोस्तों, सेशल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। हिंद महासागर की जब बात करेगा ना, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदुस्तान के पास है वो हिस्सा जो है, हिंद महासागर कहलाता है, तो भारत के पास सब तीसरा बड़ा हिस्सा है ये, तीसरा बड़ा मतलब कह सकते हैं महासागर है दुनिया का, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं मित्रों, आंसर करिएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल यहाँ पे धन संपदा की प्राप्ति करना, सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी सवाल यहाँ पे दिए जा रहे हैं इन सब के अलावा, और मैं आपको 11 बजे जो है 100 मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, 100 क्वेश्चन का, जो कि YT एजुकेशन के एप्लीकेशन पे करवा रहा हूँ, है ना। वहाँ पे एक ग्रुप है हमारा, वहाँ पे ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में ये टेस्ट चल रहा है वहाँ पे। इसके अलावा 10 बजे जो है आपका डेली करेंट अफेयर भी करवा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे लगभग जो 20 या 30 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर के रहते हैं डेली वाले, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर आपको पढ़ाया जाएगा वो मैं अपने इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा, है ना, जो कि आपका कम से कम 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर खत्म करवाऊंगा विथ स्टैटिक जीके। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोग को यहाँ से बेनिफिट बिल्कुल होने वाला है। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र का आरंभ किया था? क्या बात है भाई, बहुत सही। बी बी इज द करेक्ट आंसर, केसरी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया था, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। एतामुदौला का मकबरा किसके शासनकाल में बनाया गया था?
एग्जैक्टली जहांगीर इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? बहुत सही, ये इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि हाँ आपको बताया था कि ये खिलाफत पार्टी क्यों बनाई गई थी, ये भी कल बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने कल क्यूज देखा होगा तो डेली क्यूज देखिए, जितना भी क्यूज दिया गया उसको अटेंड कीजिए। ये आपका वॉल्यूम 2 चल रहा है अब यहाँ पे, वॉल्यूम 1 हम आपको करवा के रख चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट में वीडियो भी है, 20 वीडियो आपको दिया गया है वहां पे, वो भी देख लीजिएगा। और आज यहाँ पे 7वां वीडियो है वॉल्यूम 2 का ये। चलिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो बिल्कुल 22 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बी इज द राइट आंसर। सन 1923 में इलाहाबाद में यहाँ पे चितरंजन दास, नरसिम चिंतामण केलकर, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, जो कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम का दल बनाया था, ठीक है, यहाँ पे नेहरू जी नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। सी आर दास यानी कि चितरंजन दास है ना, और बाल गंगाधर तिलक नहीं, विट्ठल भाई पटेल थे उसमें, और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, तो सी आर दास यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 22 का उत्तर जो है, 22 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं, बी नहीं होगा, यह 1923 के दौरान किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं, इसके अध्यक्ष सी आर दास ही बने थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे, ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लिख दिया गया, इसे मोतीलाल नेहरू लिखना चाहिए था क्योंकि इसके मुख्य सचिव थे, है ना, इसको पार्टी बनाने के लिए मेन उन्हीं उन्हीं को श्रेय जाता है। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निरसक तत्व है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निरसक तत्व है? एक राज्य से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, काम करने, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार देने का कार्य यहाँ पे एक राज्य में होता है, हर एक राज्य में होता है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों, आंसर करेंगे, संसद विधान परिषद को कब समाप्त और गठित कर सकती है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 24 का उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पर, जी हाँ नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दे तब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये अप्रत्यक्ष चुनाव समझते हैं आप लोग, इसके द्वारा चुने गए जाते हैं इसके सदस्य, और कुछ सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि विधान परिषद विधानमंडल का अंग होता है। और अगर बात करें विधान परिषद कौन कौन राज्यों में है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, एक तो बिहार है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा आपका कर्नाटका है, ठीक है, और चौथा आपका महाराष्ट्र है, और जो फिर तेलंगाना में भी हो चुका है, तेलंगाना में भी है, और दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर, इन सभी में जो कि यहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे, आंसर कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बिहार संविधान संशोधन के द्वारा बदलाव किया गया? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में बिहार संविधान संशोधन के द्वारा क्या बदलाव किया गया? बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, ये बदलाव किया गया था दोस्तों 11वां संविधान संशोधन के दौरान, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा ये। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यहाँ पर 5 वर्षों का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 5 वर्षों का होता है, इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है ये 35 वर्ष ही होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पे, आंसर कर लीजिएगा, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई जिसमें कि इंडोनेशिया के किस द्वीप के जंगली सुअर को दर्शाया गया? 26 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल सुलावेसी द्वीप, ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ, जो कि कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे भाई, तो ग्रिफ्ट वैली में है, ग्रिफ्ट वैली, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी भी है जो कि इसका जो है इसके बारे में अध्ययन कर रही है, और ये है जो दोस्तों सुलावेसी, सुलावेसी जो है लेंग टेंडोगेन गुफा है, इसको कहते हैं LENG, है ना, लेंग टेडो टेडोंगी, है ना, टेडोंगी गुफा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे भी है और इसमें पेंटिंग मिली है, ये ध्यान रखेंगे, गुफा में पेंटिंग की खोज की गई है, ऑस्ट्रेलियाई दोस्तों यूनिवर्सिटी की खोज है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 27 पे, आंसर कर लेंगे,
100% नवीनीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स के किसके साथ समझौता किया? 27 का उत्तर कीजिएगा, फेसबुक के साथ इज द राइट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। और ये जो समझौता हुआ है दोस्तों, हस्ताक्षर हुआ है, यह नोट कर सकते हैं, फेसबुक के साथ। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? बिल्कुल, रेमन मैग्नस पुरस्कार बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एशिया के व्यक्तियों के लिए, संस्थाओं को और उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए ये आपको रेमन मैग्नस अवार्ड जो है दिया जाता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 29 पे आंसर करेंगे। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2024 में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, और प्लास्टिक बैन भी किया है पूरे देश भर में भारत ने जुलाई 2022 में। जी हाँ, और इसके ऊपर एक समझौता भी किया है जो कि एशिया का ये पहला देश बन चुका है। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे दोस्तों, एक खनिज को अयस्क के रूप में जाना जाता है यदि धातु। साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोग के लिए, फटाफट आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, एक खनिज के अयस्क के रूप में जाना जाता है यदि धातु इससे लाभप्रद रूप में निकाला जा सके। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं, आंसर कर लीजिएगा। धात्विक खनिज क्या क्या होता है? देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी रख लीजिए। धात्विक खनिज जो है अग्नेय और कायंत्रित चट्टानों के समूह होते हैं जिसमें कि विशाल पठार निर्माण होता है, और ये उत्तरी स्वीडन में खासकर बहुत ज्यादा मिलता है, जहाँ पे लौह अयस्क है, और कैनेडा में तांबा और निकेल निक्षेपण, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, ये सब जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये खनिज अयस्क जाने जाते हैं यदि धातु उसमें लाभप्रद रूप से निकाला जा सके, यानी कि खनन किया जा सके उसका। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिश्रण वेल्डिंग गैस के लिए प्रयुक्त है? बिल्कुल, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, वेल्डिंग आप लोग देखते होंगे करते हुए, तो उसमें गैस का जो उपयोग होता है ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कोल गैस और हाइड्रोजन आदि भी यूज होता है, और इसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन जो है एक नाम का यहाँ पे प्रचलित गैस होता है, इसको कहते हैं। ठीक है, इस ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। किस प्रकाश के फोटोन में अधिकतम ऊर्जा होती है? 33 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बैगनी में, सी इज द करेक्ट आंसर। ये फोटोन की अधिकतम ऊर्जा होती है, नोट कर सकते हैं, बैगनी कलर में। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है यदि कार्य किया जाता है? बिल्कुल, किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है यदि कार्य किया जाता है। बिल्कुल, नोट कर लेंगे 34 का उत्तर, यहाँ पे आप लोग, एक संरक्षित बल के खिलाफ जब प्रणाली के द्वारा ये यूज किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 35 पे आंसर करेंगे। मूल रूप से मनुष्य द्वारा बनाई गई अनाज की पहली प्रजाति कौन सी है? बिल्कुल, नोट कर सकते हैं, इसको ट्रिटिकल नाम दिया गया है, ए इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 36 पे चलते हैं, जब चींटियां काटती हैं तो अंतः छेपित करती है? बिल्कुल, फॉर्मिक अम्ल। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, निकालती हैं जब चींटियां काटती हैं तो, जिसके चलते वो आपके शरीर पे जो होता है वो एकदम लहर सा उठता है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मिक एसिड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों में बाघों की गणना के लिए किन किन मापदंडों का उपयोग किया जाता है? 37 का उत्तर कीजिएगा। देखिए, देश में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है कि वो अभयारण्य बन सके, उसमें बाघों की गणना के लिए कौन कौन सा मापदंड, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए उसे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे उनके पग यानी कि पैरों के निशान, और उनके मल यानी कि जो उनका मल होता है उनके छारों से। ठीक है, ये आपको बताता है कि हम अभयारण्य इसको घोषित कर सकते हैं बाघों के लिए। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? इकोनॉमी का सवाल है, ध्यान रखिएगा, यह मुद्रा का कार्य यानी कि करेंसी का कार्य नहीं है, तो उपभोग विनियमित करने की क्षमता
ये प्रयुक्त राशि, ठीक है, दी इज द करेक्ट आंसर। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा जो होता है ना, एक अप्रत्यक्ष महत्व रखता है, ठीक है, जैसे कि वस्तु का विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो है मूल्य का मापन करता है और संचय करता है, ये संभव नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आंसर डी कर लेंगे। सवाल नंबर 39 पे चलते हैं। वस्तु और सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, देखिए जीएसटी जो है विनिर्माता से उपभोक्ता तक माल और सेवा का आपूर्ति करके एकल टैक्स जो है वो जुगाड़ करता है, यानी कि प्रत्येक स्तर पर अगर देखें तो क्रेडिट जो होता है ये मूल्यवर्धन के बाद हर एक चरण में, यानी हर एक स्टेप में होता है, और जीएसटी आवश्यक रूप से प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्यवर्धन ही करने वाला एक टैक्स है। तो यहाँ पे तो आप आंसर कीजिएगा 39 का, जी हाँ ये एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जो वस्तु और सेवा पर लगता है, जीडीपी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। सवाल नंबर 40 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है और निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार के अधीन आता है, ये इंदिरा पॉइंट, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और हमारे जो देश का, भारत देश का उत्तरी बिंदु जो है उसको क्या नाम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नीचे आप लोग जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ पे आंसर कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल 41 का उत्तर कीजिएगा। देखिए बक्सा जो है वो बिहार से संबंधित कर दिया गया है, ठीक है, बक्सा वन्य जीव अभयारण्य, जी हाँ ये बिहार से संबंधित नहीं है, ये नोट कर सकते हैं, और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है एक्चुअली, ठीक है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, डम्फा मिजोरम से, और नामेरी असम से संबंधित है, इज द राइट आंसर, बट डी इज द रॉन्ग आंसर, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 42 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? सी 10 डिग्री चैनल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है, नहीं बोला गया है, 43 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ गोसाई थान, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, बक्सा वन्य जीव अभयारण्य, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ पे भी बोल दिया मैंने इसको, देखिए ये जो है ना, ये आपका बक्सा बिहार से संबंधित था एक्चुअली, अब नहीं है, क्योंकि ये जो है अब भूटान और कूच बिहार के रियासत के साथ गठबंधन में शामिल किया गया था अंग्रेजों के द्वारा उस समय, ठीक है, तो अब बिहार में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बिहार से लेकिन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, एमपी से नहीं है ये पर, ठीक है, बक्सा बिहार से संबंधित है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो ये आपका जो है सुमेलन नहीं है, बक्सा को बिहार से संबंधित रखा गया है, बक्सा जो है ये किले के नाम पे रखा गया था एक्चुअली, है ना, वो जो कि भूटान में है, ये एक्चुअली है ना भूटान देश में है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 44-43 पे, आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है? 43 का आंसर, जी हाँ गोसाई थान कर लीजिएगा। सवाल नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? बिल्कुल ये न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी सिक्किम को, जी हाँ नोट कर सकते हैं। पांचवा वित्त आयोग में गार्डगिल फॉर्मूला के तहत 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो उस समय विशेष दर्जा नहीं दिया गया था, है ना, और ये केंद्र किस राज्य को नहीं दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये सिक्किम था, उसमें एक असम जिसको दिया गया था, है ना, असम था, असम को दिया गया था,
और उसके बाद नागालैंड को दिया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर को दिया गया था, ठीक है ना, विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें से यहाँ पे सिक्किम नहीं था, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उसको बाद में मिला था एक्चुअली, तो बी यहाँ पे उत्तर आप कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 46 पे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे, है ना। 46 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, यह नीलम संजीव रेड्डी, ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं थे, ठीक है, ये सीधे राष्ट्रपति बने थे। सवाल नंबर 47, मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर किसके द्वारा दरबार में संबंधित है। 47 का आंसर कर लीजिएगा विक्रमादित्य चतुर्थ छठे, है ना, याद रखेंगे विक्रमादित्य 6 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 48 पे, आंसर कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने दलित सभा शब्द को गढ़ा है। बिल्कुल 48 का आंसर कीजिएगा ज्योतिबा फुले, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 49, महायान बौद्ध मत को दो दार्शनिक शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंधित है। यह माध्यमिक और योगाचार, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। यह उन्हें सभी जागरूक व्यक्ति के उद्यार से संबंधित किया जाता है, जैसे कि बोधिसत्व की अवधारणा करने का पालन किया जाता है, ठीक है, महायान को कहते हैं उनको, है ना, यह ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 50 पे, आंसर कर लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलमान लीग संयुक्त अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था। 50 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और लखनऊ में मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का भी पन्ना पन्ना माना जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 51 पे, आंसर कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है। जी हाँ 120 डिग्री सेल्सियस, नोट कर सकते हैं। जी हाँ जिप्सम का सूत्र अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, Ca(SO4)2H2O, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, जहां पे 100 डिग्री से ऊपर लेकिन 120 डिग्री से तहत, है ना, 120 डिग्री से गर्म कर लिया जाता है इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 52 पे, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, बिल्कुल ऑक्सीजन, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे लगभग 46.6%। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम का लिख लीजिएगा 8.1%, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ये भी है तत्व, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते 53 पे, C3H8 की समजातीय श्रृंखला से संबंधित क्या है। 53 का आंसर कीजिएगा दोस्तों एल्केन्स कहते हैं इसको, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 54 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा PVC, जी हाँ, जो कि जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण नहीं है ये। सवाल नंबर चलते हैं 55 पे, आंसर करेंगे, कपूर और KCl में मिश्रण को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, यह ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कपूर जो होता है एक ठोस पदार्थ होता है, जो कि गर्म करने के बाद बिना द्रव्य में बदले हुए वो वाष्प में ही सीधे बदल जाता है, आप लोग कपूर जलाते ही होंगे, है ना, और ये जो पदार्थ बचता है इसके बाद जो है वो CaSO4 बचता है। सवाल नंबर 56 पे चलते हैं, क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों 288 होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, ठीक है, 3S²3P5 पे निकलता है, तो ये 288 निकल के आएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 57 पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अपनी मुक्त अवस्था में धयानन और ऋणायन दोनों के रूप में मौजूद होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में ही ये होता है दोस्तों, तो 57 का आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ बी हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे, माफ की सबसे लंबी इकाई, नॉट माफ द माप,
है ना, मेजरमेंट है ना, तो 58 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, 1 टेरा मीटर, नोट कर सकते हैं, 1 टेरा मीटर होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे, आंसर करेंगे वजन और माप के विज्ञान को क्या कहा जाता है। वजन और माप के विज्ञान को कहते हैं मेट्रोलॉजी, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, वजन और माप के जो विज्ञान है उसको हम लोग कहते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के तहत दोस्तों ये सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, ये तीनों आते हैं। सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, है ना, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 60 पे, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक था। जी हाँ, एनरिको फर्मी, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 61 पे, निम्नलिखित में से कौन पेप्टोन जल का घटक है। पेप्टोन जल का घटक बिल्कुल सोडियम क्लोराइड है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 62 पे, एक्सरे में एक्स का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल सभी कोई जानते हैं, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ, जी हाँ, ये अज्ञात है। एक्सरे जो है ये एक रे को कहते हैं, रे तो मतलब किरण हो गया, एक्सरे मतलब ये अज्ञात है, ठीक है, इसके बारे में नहीं बताया गया है कहीं। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे, आंसर करेंगे सूर्य और सौरमंडल के लगभग कितने प्रतिशत पदार्थ का निर्माण करता है। जी हाँ, 0.09% का ये पदार्थ का निर्माण करता है सूर्य और सौरमंडल मिलकर। सौरमंडल देखिए आपको बता दें कि अभी 8 ग्रह है यहाँ पे, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 64 पे, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, बिल्कुल वाट कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे, बायोमास ऊर्जा क्या है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है ये, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग से शरीर की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करता है, ल्यूकोसाइट, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, ल्यूकोसाइट। सवाल नंबर 67, लाइकेन SO2 प्रदूषण का संकेत देते हैं क्योंकि वे SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 68, गोल्डन राइस में शामिल है बी कैरोटीन विटामिन और फोलिक एसिड। जी हाँ, बी कैरोटीन विटामिन ए और फोलिक एसिड, ये तीनों शामिल है, ठीक है, गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल को कहते हैं, है ना, ऑरिजा सैटिवा इसको कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है जो कि इसका किस्म है, ठीक है, बेटा कैरोटीन जो कि खाने में यूज होता है, बी कैरोटीन कहते हैं, विटामिन ए और फोलिक एसिड इन तीनों में शामिल होता है। सवाल नंबर 69, टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द का अर्थ क्या है। बिल्कुल ये डिंब का निषेचन टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, लेकिन ये गर्भाशय में विकसित होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 70 पे, आंसर करेंगे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी को क्रमशः क्या कहा जाता है। जी हाँ, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 71 पे, विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है। खारे पानी का मगरमच्छ कह सकते हैं इन चार ऑप्शन में। सवाल नंबर चलते हैं 72 पे, आंसर करेंगे जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे, द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी किसकी उपचार से जुड़ी है। दस्त, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 74, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल लीवर है, याद रखिएगा, और सबसे बड़ा अंग हमने आपको कल बताया था हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर चलते हैं 75 पे, ओरेलिवा जिसको हम लोग सिलेंड्रिया कहते हैं, यह सामान्यतः जाना जाता है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, जेलीफिश के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 75 प्रश्न आपके जीके जीएस से संबंधित है जो कि हमने आपको करवाए, और इस टेस्ट में जहाँ पे जीके जीएस करेंट अफेयर के प्रश्न उत्तर देखे गए हैं आपके लिए,
क्योंकि एक्सपेक्टेड है आपके परीक्षाओं के लिए। आज सेट नंबर यहाँ पे 7 दिया गया था आप लोगों को, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन आप लोग हमारे YT एजुकेशन के एप्लीकेशन से भी जाके लगा सकते हैं। टेस्ट वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, मैथ रीजनिंग भी इंक्लूड किया गया है वहाँ पे, तो उस टेस्ट पोर्टल को आप लोग जाके अभी ले लें। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।